क्या दोस्तों, अब भी आपने बजट के अंदर बेस्ट एसयूवी के तलाश में परेशान हो चुके हो, फिर भी कोई किनारा नहीं मिल रहा है? डोंट वरी, मैं हूँ ना। दोस्तों अगर आपका जवाब है हाँ, तो बिना स्किप के इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, क्योंकि दोस्तों आज मैं 10 ऐसी गाड़ियों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो गाड़ी इंडिया पे बहुत ही फेमस है, एंड इसमें से कुछ कुछ सब कॉम्पैक्ट एसयूवी और कुछ बड़े एसयूवी भी है। सो आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बात ज्यादा न गवाते हुए करते हैं शुरुआत। दोस्तों पहले नंबर पे जो एसयूवी आता है वो आपका, मेरा और सबका फेवरेट गाड़ी है, जो कि महिंद्रा यानी कि थार। इस गाड़ी का चाहने वाले और प्यार के लिए मरने वाले आशिक आपको हर रोज दिख जाएगा। तो मजाक की बात है साइड पे। दोस्तों इस गाड़ी का ऑन रोड शुरुआती कीमत 11.79 लाख से, एंड टोटल इसका 13 वेरिएंट आता है, जिसमें से टॉप पेट्रोल वेरिएंट विद कन्वर्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के साथ जिनका प्राइस 16.2 लाख, और टॉप डीजल 4WD का प्राइस 17.76 लाख ऑन रोड। अगर बात की जाए इसके इंजन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो 1097 से लेकर 2184 सीसी तक की अलग अलग इंजन स्पेक्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो लुक है वो तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जो चीज इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं वो दूसरे किसी भी गाड़ी के अंदर वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो से एडवेंचर टाइप का जो कोर फीलिंग होता है वो थार के अंदर बहुत ही ज्यादा बरकरार रखा गया है, एंड जीप ऑंग्लर का छोटा भाई जैसा है। थार का जो मल्टी स्टार ग्रिल लेआउट है जो कि काफी ज्यादा गोल्ड मस्कुलर सा लुक प्रोवाइड करते हैं। राउंड शेप में यहाँ पर हेडलैम्प्स प्रोवाइड की गई है, इसके अलावा डिफेंडर माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स, रेक्टेंगुलर शेप में LED टेल लैंप्स पीछे के सेक्शन में ऑफर की गई है। इसके अलावा 8 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, एंड डुअल टोन फ्रंट बम्पर्स, एंड दोस्तों डिस्क ब्रेक यहाँ पर ऑनली फ्रंट पहिया में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों बात की जाए इंटीरियर के बारे में, तो कम्प्लीटली वॉशेबल इंटीरियर यहाँ पर प्रोवाइड की गई है थार में। तो अगर आप बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग करते हो तो आराम से इस गाड़ी को साफ कर सकते हो बिना कोई परेशानी झेले। इसके अलावा एक बड़ा सा टास्क इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड की गई है, और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी सपोर्ट करता है। सो अब आप नेविगेशन, कॉलिंग, मल्टीमीडिया सब कुछ आराम से कर पाओगे। दोस्तों इस गाड़ी में डिफरेंशियल ब्रेक लॉकिंग, TPMS, ECL, एनुअल एयरबैग, स्नो चेन, प्रोविजन फॉर टायर्स, सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा तो नहीं है, जो जो बेसिक्स है वो सारा कुछ मिल जाता है, यानी कि आपका काम चल जाएगा। ये गाड़ी रेड रेज, रॉकी बैक, एक्वामरीन, मस्टिक कॉपर, नेपोलियन ब्लैक एंड ऑल्सो गैलेक्सी ग्रे, टोटल 6 कलर वेरिएंट के साथ उपलब्ध है। ये गाड़ी सेफ्टी वाइज ग्लोबल NCAP रेटिंग में 4 स्टार अचीव की है। बेसिक वेरिएंट में 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, यानी कि 4 सीटर गाड़ी होने वाला है, एंड जो टॉप ऑफ द वेरिएंट है वहाँ पर आप आराम से 5 लोग को बिठा सकते हैं। एंड यहाँ पर जो AMT एंड मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के साथ अलग अलग इंजन प्रोवाइड किया गया है, एंड डिपेंडिंग ऑन कौन सा वेरिएंट आप लेते हो तो उसके ऊपर ये चीज मैटर करती है। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो आती है वो भी महिंद्रा की तरफ से, एंड व्हिच इज महिंद्रा स्कॉर्पियन। ओहो भाई साहब, स्कॉर्पियो के अलग ही जलवा है। तो ये जो गाड़ी है टोटल 30 वेरिएंट ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, एंड इसका शुरुआती ऑनरेट कीमत है 15.05 लाख, एंड टॉप ऑफ द लाइनअप का प्राइस है 28.08 लाख। बट दोस्तों हम सिर्फ बेस वेरिएंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो स्कॉर्पियन का 6 एंड 7 सीटर दोनों वेरिएंट में ये गाड़ी उपलब्ध है, एंड 5 ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, इंक्लूडिंग Z2, Z4, Z6 एंड Z8 हिल। दिस इज द कम्प्लीटली न्यू सीरीज फ्रॉम स्कॉर्पियो लाइनर। दोस्तों अगर बात की जाए इस गाड़ी का एक्सटीरियर लुकिंग के बारे में, तो ऑल न्यू 6 लाइट ग्रिल विद क्रोम इंसर्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा लगता है, एंड मेन LED हेडलैम्प्स के साथ डे टाइम DRL विद हाई बीम LED प्रोजेक्टर इस बार प्रोवाइड की गई है। दोस्तों डुअल टोन अलॉय व्हील्स एंड कॉन्स्टेंट कलर रूफ रेल्स डिजाइन जो की इस गाड़ी को और भी ज्यादा मस्त बनाती है। पीछे वर्टिकल स्टैक LED टेल लाइट्स दिए हुए है, एंड स्पॉइलर भी मिल जाते हैं, एंड रूफ में भी शार्प के एंटेना वो भी आपको मिल जाएगी। नाउ इंजन कैपेसिटी एंड स्पेक्स वाइज क्या कुछ हमें देखने को मिलते हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉर्पियो N 1997 सीसी से लेकर 2144 सीसी तक इंजन स्पेक्स के साथ आता है। तो पहला जो है 2.0 का M-Stern टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं, जो कि मैक्सिमम 200 BHP के साथ 370 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करने में पूरी तरीके से सक्षम है। दूसरा वाला जो है वो भी 2 लीटर का है, बट वो डीजल वेरिएंट है, यानी कि वो मैक्सिमम 130 BHP के साथ 300 NM टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। और एक आता है जो कि 172 BHP के साथ 377 NM टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है, एंड मैक्सिमम 400 NM टॉर्क आपको मिल जाएगा, बट वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। और इसके अलावा जो आता है विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 4x4 का सिस्टम भी मिल जाता है, तो बड़ी अपग्रेडिंग का मजा ले सकते हो। नाउ इंटीरियर में क्या कुछ फीचर्स ऑफर की गई है, तो पैरानोमिक सनरूफ व्हिच इज इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड वो तो है, उसके बिना सफर का मजा अधूरा रह जाता है। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी ड्राइव मोड्स, ए टास्किंग विद बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसके अलावा सोनी का खुद का बनाया हुआ बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम बाय डिफॉल्ट आता है, एंड एंड्रोनिक्स कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी थ्रू आप अपना स्मार्टफोन इस गाड़ी से कनेक्ट करके और भी ज्यादा गाड़ी को स्मार्ट बना सकते हो, एंड सेकंड रो में कैप्टन सीट्स आपको प्रोवाइड किया गया है।
इनसे भी सेफ्टी रेटिंग में इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो सेफ्टी वाइज भी काफी सेफ है एंड एडवांस फीचर्स के बारे में इसलिए नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि 30 अलग अलग वेरिएंट है तो बहुत सारे अलग अलग एडवांस फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट। तो अगर जब मैं इस गाड़ी के ऊपर सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ तब आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सारे कुछ डिटेल में पता लगने वाला है। तो ये गाड़ी आप बेसिकली किया सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, वॉक्सवैगन टाइगुन, स्कोडा कुशाक और एमजी एस्टर का मेन कॉम्पिटिटर होने वाला है। नंबर थर्ड पे आता है स्कोडा कुशाक। ये गाड़ी एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है एंड इसका टोटल 20 वेरिएंट आता है विद इन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों इसका ऑनर स्टार्टिंग प्राइस है 13.46 लाख जो कि बेस वेरिएंट का शुरुआती कीमत है एंड टॉप ऑफ द लाइनअप का प्राइस है 17.01 लाख। अगर बात की जाए एक्सटीरियर लुकिंग के बारे में तो सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल मिल जाते हैं फ्रंट प्रोफाइल में विद ब्लैक वर्टिकल स्लैट्स। इसके अलावा क्रोम सराउंडिंग फिनिश है, डे टाइम एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स, सिल्वर स्किड प्लेट्स, रूफ रेल्स, सरफेस एंटेना, 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, एलईडी टेल इंडिकेटर, रियर विजर विपर एंड मिनिमल सा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, सारे कुछ एक्सटीरियर लुक्स है सबको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों जैसे कि आपको बताया हुआ था कि एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो इसका जो इंजन है बहुत ही छोटी है यानी कि 999 सीसी से लेकर 1498 सीसी तक की इंजन स्पेक्स मिल जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी का इंजन छोटा है तो पावर भी इस गाड़ी के अंदर आपको कम देखने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात की जाए पावर फिगर की तो ये पर 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं जो कि 113 bhp के साथ 178 rpm टॉर्क मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन भी हायर वेरिएंट के अंदर प्रोवाइड की गई है विद AMT एंड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। दोस्तों इंटीरियर डिजाइन लैंग्वेज में क्या कुछ देखने को मिलते हैं तो पैरानोमिक सनरूफ विद इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, इसके अलावा 10 इंचेस के काफी बड़े से इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिल जाते हैं, मल्टीमीडिया तौर पे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो ऑफर की गई है, मिरर लिंक, टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, क्रूज कंट्रोल, कूलर ग्लव बॉक्स, ये सब मिल जाते हैं। काफी लंबा सा लिस्ट है इंटीरियर में। अगर बात की जाए सेफ्टी फीचर्स के मामले में तो क्या कुछ मिल जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS with EBD, ESC मल्टी कॉलिजन ब्रेकिंग, रोल ओवर प्रोटेक्शन, ब्रेक डिस्क स्वीपिंग, हिल होल्ड कंट्रोल एंड TPMS, ये सब एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। ग्लोबल NCAP रेटिंग में यह गाड़ी 5 स्टार रेटिंग भी अचीव किया है। दोस्तों चौथे नंबर पर बारी आती है हुंडई क्रेटा की, तो इसका न्यू वाली वेरिएंट का भी जल्दी लॉन्च किया जाएगी वो भी फरवरी के अंदर। दोस्तों इसका ओनर शुरुआती कीमत है 12.67 लाख, टोटल इसका 26 वेरिएंट आते हैं एंड टॉप ऑफ द लाइनअप यानी कि टॉप मॉडल का प्राइस 22.22 लाख है। सो पेट्रोल एंड डीजल दोनों ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। दोस्तों इसका जो न्यू वाले वेरिएंट को लॉन्च किया जाएगी अगर उसके बारे में आपको जानकारी जाननी है तो आई बटन में लिंक देने वाला हूं, तो आप लोग जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हालांकि ज्यादा कोई एक्सटीरियर चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, जो चेंजेस करी हुए है वो बेसिकली कॉस्मेटिक अपग्रेडेशन किया हुआ है थ्रू दिस कार। तो एक्सटीरियर डिजाइन वाइज डे टाइम LED रनिंग स्प्लिट मिल जाते हैं जो कि पहले भी मिलता था एंड दोस्तों फ्रंट में 4 एंड सिल्वर स्प्लिट प्लेट्स मिल जाते हैं, 17 इंचेस के एलॉय से जो कि काफी बढ़िया चमकता है एंड सी ब्लेयर में शार्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, ओवर बीम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। दोस्तों टोटल 8 कलर ऑप्शंस के साथ इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है एंड अभी भी अवेलेबल है जिसमें से फैंटम ब्लैक, टाइफून ब्लैक रूफ, पोलर व्हाइट, रेड पम्बरी और डीप ब्लू वगैरह वगैरह कलर आपको मिल जाते हैं। नाउ इंटीरियर का क्या मामला है उसको तो निपटना पड़ेगा। तो अगर आप टॉप वेरियंट लेते हो तो तब आपको पैरानोमिक सनरूफ मिलेगी, नहीं तो बेस वेरिएंट के अंदर ये उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा बिग सच के यानी कि 10.25 इंचेस के इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन पैनल मिल जाते हैं, ऑटो हेडलैम्प्स, पावर्ड मिरर्स, एम्बिएंट लाइटिंग, इंटीग्रेटेड एयर प्यूरिफायर, बोस का तगड़ा साउंड सिस्टम है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी ये सब प्रोवाइड किया गया है। इंजन स्पेक्स वाइज 1353 cc से लेकर 1497 cc तक इंजन मिल जाते हैं। पहला जो है वो 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन जो कि मैक्सिमम 113 bhp के साथ 143.8 nm पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है विद MT एंड IVT ट्रांसमिशन के साथ। दूसरा वाला 1.5 लीटर का U2 CRDI डीजल इंजन है जो कि 113 bhp के साथ 250 nm टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है। बोथ इंजिन्स आर ऑलरेडी कंप्लायंट, कैन रन ऑन E20 फ्यूल। दोस्तों सेफ्टी वाइज चारों पहियों के अंदर डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, 6 एयरबैग्स, एडवांस वाइज व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, आइसोफोक्स एंकरेज, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, ये सब एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। बट दोस्तों NCAP रेटिंग में 3 स्टार रेटिंग मिली है तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी का जो सेफ्टी है सेफ्टी वाइज इसके अंदर खामियां देखने को मिलती है। सो दिस इज द मेन कॉम्पिटिटर ऑफ किया सेल्टोस, वॉक्सवैगन टाइगुन, मारुति सुजुकी एनविटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर, स्कोडा कुशाक एंड ऑल्सो MG हेक्टर।
दोस्तों नंबर फिफ्थ विल बी द ग्रैंड विटारा फ्रॉम सुजुकी। दोस्तों ये भी एक कूपे टाइप के सब कॉम्पैक्ट हाइब्रिड एसयूवी है। इसका शुरुआती ऑनर प्राइस 11.55 लाख से स्टार्ट होती है एंड टोटल इसका 17 वेरिएंट उपलब्ध है। टॉप मॉडल का जो कीमत है वो 19.74 लाख ऑन रोड इसका प्राइस है। अल्फा प्लस मेरा काफी पसंदीदा वेरियंट है। तो नाउ एक्सटीरियर डिजाइन वाइज कैसे इसका लुक है, तो फ्रंट पे इक्विप्ड विद स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन मिल जाती है। डे टाइम एलईडी डीआरएल भी ऑफर की गई है। इसके अलावा 16 इंच का छोटे एलॉय मिल जाते हैं एंड फ्रंट कॉन्स्ट्रक्ट कलर विद स्प्लिट पेयर्स ऑफर की गई है। वॉर्प अराउंड एलईडी टेल लैंप्स एंड सार्पिन एंटेना प्लास्टिक क्लाइडिंग दोनों साइड प्रोफाइल में ऑल अराउंड होकर मर्ज होती है। रियर में छोटा सा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर एंड हाई माउंटेड स्टॉर्म लैंप्स वो भी ऑफर की गई है। टोटल इसका 9 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑपुलेंट रेड, नेक्सा ब्लू, आर्टिक व्हाइट, स्प्लेंडर सिल्वर, फ्रेंडर ग्रे, चेस्टन ब्राउन, आर्टिक व्हाइट विद ब्लैक रूफ, स्प्लेंडर सिल्वर विद ब्लैक रूफ, ऑपुलेंट रेड विद ब्लैक रूफ। इंटीरियर में पैरानोमिक साउंड मिल जाते हैं। ड्यूअल टोन ब्लैक एंड ब्राउन इंटीरियर का डिजाइन लेआउट थीम है जो कि दिखने में काफी बढ़िया है। इसके अलावा 360 कैमरा एंड 9 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है जिसको स्मार्ट प्ले प्रो कहता है सुजुकी एंड मल्टीमीडिया के तौर पे एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो भी सपोर्टेड। वेंटिलेटर, फ्रंट सीट्स, एचयूडी, पैडल शिफ्टर्स, सुजुकी टेलीमेटिक्स एंड ड्राइव मोड्स ये सारा कुछ मिल जाती है। ये गाड़ी एक हाइब्रिड एसयूवी है यानी कि सब कॉम्पैक्ट साइज के दोनों इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये आता है। 1462 सीसी से लेकर 1490 सीसी तक की इंजन स्पीड्स मिल जाते हैं। पहला 1.5 लीटर का K15C पेट्रोल इंजन विद मिड हाइब्रिड सिस्टम एंड दूसरा वाला 1.5 लीटर का TNGA पेट्रोल मोटर विद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम। मैक्सिमम 102 bhp के साथ 137 Nm टॉर्क जनरेट कर सकती है एंड 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड एमटी गियर ऑप्शंस के साथ AWD कॉन्फ़िगरेशन भी मिल जाते हैं। इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम के अंदर 91 bhp एंड 122 Nm via the IC यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है एंड 114 bhp विद 141 Nm टॉर्क मैटेड एक्सक्लूसिविटी 2 एंड CVT यूनिट। दोस्तों सेफ्टी फीचर्स वाइज 6 एयरबैग्स एंड NCAP सेफ्टी रेटिंग तौर पे 4 स्टार रेटिंग भी इसको मिली है। एडवांस सेफ्टी फीचर्स के मामले पे ABS विद EBD, ESP, TPMS, रियर पार्किंग सेंसर, सील्ड होल्ड असिस्ट, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड ऑल्सो कम विद द हिल डिसेंट कंट्रोलिंग फीचर्स। दोस्तों ग्रैंड विटारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होने वाला है किया सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, MG एस्टर, टाटा हैरियर, स्कोडा कुशाक और वोक्सवैगन टाइगुन की। छठे नंबर पर आता है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। ये गाड़ी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी के अंदर भी मशहूर है। टोटल इसका 13 वेरिएंट इंडिया पे उपलब्ध है। हाई राइडर का शुरुआती ऑन रोड कीमत 12.18 लाख से स्टार्ट होती है, इसका टॉप ऑफ द लाइनअप 21.64 लाख ऑन रोड तक एक्सटेंड हो जाती है। ये गाड़ी CNG किट ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल है। अगर बात की जाए एक्सटीरियर डिजाइन लैंग्वेज के बारे में तो सबसे पहले स्प्लिट LED डे टाइम रनिंग LED हेडलाइट्स फ्रंट में प्रोवाइड की गई है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत सा लगता है। सिंगल शॉट ग्लॉस बैक ग्रिल मिल जाती है विद कॉम के साथ। हनीकॉम डिजाइन है, फ्रंट प्रोफाइल के जानने सेक्शन है और कॉन्ट्रास्ट कलर के फ्रंट स्प्लिट प्लेट भी प्रोवाइड की गई है। दोस्तों साइड प्रोफाइल में ब्लैक रूप को हाइलाइटेड किया गया है। ड्यूअल टोन कलर्स विद एलो व्हील्स यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ साथ बड़े साइज की यहाँ पर क्लाइडिंग भी ऑफर की गई है। रियर प्रोफाइल में क्रोम स्टेप बूट LED डिजाइन लैंग्वेज के साथ सी शेप्ड में LED पैटर्न मिल जाते हैं। ओके तो इंजन स्पेक्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, देन इंटीरियर का मामला को निपटेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन कॉन्फ़िगरेशन वाइज 1462 सीसी से लेकर 1490 सीसी तक इंजन कैपेसिटी अलग अलग वेरिएंट के अंदर उपलब्ध है और एक हाइब्रिड वर्जन में आता है व्हिच इज सेल्फ चार्जिंग विद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वर्जन। ये बेसिकली 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन बाय टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम है जो कि E-टाइप ट्रांसमिशन फंक्शन के साथ आता है। दिस कैन बी एबल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम 91 bhp विद 122 Nm टॉर्क एंड इसका जो इलेक्ट्रिक मोटर है क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है तो वो 79 bhp के साथ 141 टॉर्क मैक्सिमम जनरेट कर सकती है। दोस्तों वही पे दूसरी तरफ से नियो ड्राइव वर्जन व्हिच इज पावर्ड बाय सुजुकी 1.5 लीटर इंजन एंड यहाँ पर भी एक स्टार्टेड जनरेटर को इसके अंदर मौजूद करवाया गया है जिसको ISG कहा जाता है। ये मैक्सिमम 101 bhp के साथ 135 Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये ऑफर करते हैं 5 स्पीड MT विद 6 स्पीड MT ट्रांसमिशन के साथ और खास बात यह है कि ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी ये इंजन गाड़ी को भगाने में कैपेबल है। और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, टोयोटा के साथ सुजुकी का बहुत दिनों से गठबंधन हो गया है तो इसलिए सुजुकी कुछ कुछ गाड़ियों में टोयोटा के इंजिन एंड एक्सेसरीज बॉडी ऐसी देखने को मिलती है और टोयोटा के अंदर भी सुजुकी का वही सेम मामला देखने को मिलती है। नाउ इंटीरियर में क्या कुछ ऑफर की गई है, ड्यूअल टोन ब्लैक एंड ब्राउन थीम विद सिल्वर कलर इंसर्ट के साथ यहाँ पर इंटीरियर के जो डिजाइन बनाए गए जो कि आपको देखने में काफी ज्यादा रिच एंड प्रीमियम महसूस होंगे। इसमें नो डाउट सॉफ्ट टच कॉकपिट है एंड डोर पैड्स में भी काफी ज्यादा सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया हुआ है। 9 इंच के इंफोटेनमेंट डिस्प्ले प्रोवाइड किए गए हैं जो कि काफी ज्यादा देखने में खूबसूरत सा लगता है। मल्टीमीडिया के तौर पे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल एयरप्ले सपोर्टेड है। हालांकि कुछ कुछ फीचर्स
अलग अलग वेरियंट में आपको जरूर कॉम्प्रोमाइज करना होगी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी एंड 360 कैमरा, ये सब फीचर्स तो मिल जाते हैं। सेफ्टी एंड एडवांस फीचर्स के मामले में एनसी रेटिंग वाइज इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड कैमरा, 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड स्पीड ऑफ वार्निंग बजर अमंगस्ट अदर, सारे कुछ है इसके अंदर जो एज एक्सपेक्टेड। हाई रेटर सीधा कॉम्पिटिटर होने वाला है हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड ऑल्सो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारिया। नेक्स्ट बारी आती है टाइगुन की, व्हिच इज फ्रॉम वोक्सवैगन ग्रुप। दोस्तों ये भी एक 5 सीटर सब कॉम्पैक्ट SUV है। ये गाड़ी ओनली पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है। टोटल 5 अलग अलग वेरियंट के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बेस वेरियंट का शुरुआती कीमत है 13.49 लाख ऑन रोड है एंड जो टॉप ऑफ द लाइन अप है वो GT+ मॉडल है एंड उसका ऑन रोड प्राइस है 21 लाख तक वो चला जाती है। एंड अगर बात की जाए एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में तो यहाँ पर जो वोक्सवैगन टाइगुन का सिग्नेचर डिजाइन है व्हिच इज 2 स्लॉट ग्रिल दैट हेविली एंडोर्ड बाय द क्रोम इंसर्ट देखने को मिलता है, जो काफी थीन है बट एलिगेंट लगता है देखने में। तो डे टाइम LED DRL यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, साथ ही साथ हेडलैम्प्स भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अंडरनीथ सेक्शन में बम्पर्स के साथ सराउंड क्रोम फिनिश एलिमेंट को इस्तेमाल किया है, बेसिकली फॉग लैम्प सेक्शन को प्रोवाइड की गई है जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बिजी एलिमेंट का फील देता है। रियर में भी इंसर्ट क्रोम फिनिश का बम्पर मिल जाता है, 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स विद डुअल टोन फिनिशिंग के साथ, साथ ही साथ रूप रेल्स एंड इंटीग्रेटेड स्पॉइलर वो भी है। दोस्तों इंटीरियर एंड फीचर्स वही वोक्सवैगन का जो टिपिकल थीम होता है विद डुअल टोन लेआउट फिनिशिंग स्ट्रैप लुकिंग डैशबोर्ड प्रोवाइड किया गया है। सिल्वर ट्रिम सराउंडिंग के साथ काफी बड़ा 10 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन पैनल आपको नजर में आएगा। वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो सपोर्टेड है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी फुल्ली डिजिटल है। इलेक्ट्रिकल पैनोरामिक सनरूफ वो भी शामिल है इस गाड़ी के अंदर। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग एंड वायरलेस चार्जिंग वो भी ऑफर की गई है। दोस्तों इंजन स्पेक्स वाइज 2 पेट्रोल वेरिएंट के साथ ये गाड़ी आती है। तो इंजन फिगर स्टार्ट होती है इसका 999 cc से लेकर 1498 cc तक की एंड व्हिच इज डिपेंडिंग ऑन कौन सा वेरिएंट आप लेते हो उसके ऊपर। पहला जो टाइगुन 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, तो दोस्तों ये मैक्सिमम 115 bhp के साथ 175 Nm टॉर्क मैक्सिमम जनरेट करने में सक्षम है। और दूसरा वाला जो है वो है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन है जो कि 148 bhp के साथ 250 Nm टॉर्क जनरेट कर सकती है। दोस्तों 6 ft MT विद 6 ft MT टॉर्क कन्वर्टर 2 कॉन्फिगरेशन के साथ यहाँ पर ट्रांसमिशन आता है। दोस्तों सेफ्टी एंड एडवांस फीचर्स के मामले पे 6 एयरबैग्स प्रोवाइड करते हैं। टाइगुन ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, हिल होल्ड कंट्रोल एंड मल्टी कोलिजन ब्रेक्स वो भी प्रोवाइड किया गया है। NCAP के तौर पर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसको मिला है। ये गाड़ियां मेन कॉम्पिटिटर होने वाला है हुंडई क्रेटा, जीप कॉम्पास, किया सेल्टोस, रेनॉल्ट डस्टर, स्कोडा कुशाक और टाटा हैरियर की। 8वें नंबर पे आता है हमारे जानी पहचान काफी फेमस गाड़ी व्हिच इज टाटा हैरियर। दोस्तों टाटा हैरियर का टोटल 12 वेरिएंट अवेलेबल है। बेस वेरिएंट का शुरुआती कीमत 17.60 लाख ऑन रोड है, वही पे टॉप ऑफ द लाइन अप 26.31 लाख तक चला जाती है। गोल्ड एडिशन, डार्क एडिशन, काजीरंगा एडिशन इसका काफी पॉपुलर वेरिएंट्स है। अगर बात की जाए इंजन स्पेक्स के बारे में तो 2.0 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन के साथ ये आता है एंड मैक्सिमम 160 bhp और 350 Nm टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है। 6 ft MT एंड MT दोनों ट्रांसमिशन के साथ ये आता है हैरियर। लेकिन दोस्तों ऑल व्हील ड्राइव का कोई भी वर्जन अभी भी ब्रांड ने नहीं लॉन्च करी है। नाउ दोस्तों एक्सटीरियर डिजाइन वाइज जो टोटल गाड़ी का डिजाइन लेआउट है काफी हद तक रेंज रोवर से इंस्पायर है एंड 2 लो प्लेस्ड मेन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं वही डे टाइम LED DRL के साथ एंड फ्लैटेड आर्चेस प्रोफाइल है, स्लोपिंग रूफ मिल जाते हैं एंड इस गाड़ी का जो डिप्लर है बहुत ही अच्छी तरीके से हैरियर का जो कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रियर में स्लिक शार्प LED लैंप्स मिल जाते हैं विद स्क्रूप्टेड टेलगेट। इंटीरियर में 8.8 इंचेस के इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है। वुड फिनिश डैशबोर्ड भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया जो कि काफी ज्यादा एक प्रीमियमनेस को आप फील करवाने वाला है। ड्राइवर सीट रिक्लाइनेबल है, साथ ही साथ जो को ड्राइवर का सीट है तो को ड्राइवर का सीट भी यहाँ पर 4-way एडजस्टेबल है विद लेदर अपहोल्स्टर्ड फिनिशिंग सीट्स है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक ओवर बीएम, कूल स्टोरेज, ग्लव बॉक्स प्रोवाइड किया गया है। पैनोरामिक सनरूफ विद इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल वो भी है एंड काफी सारे जगहों में स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है। नाउ सेफ्टी एंड एडवांस फीचर्स वाइज यह टाटा का गाड़ी है तो ऑब्वियसली 5 स्टार रेटिंग वो भी मिलना चाहिए एंड वो भी हासिल किए हुए है। इसके अलावा 6 एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, चाइल्ड लॉक, आइसोफिक्स, ओवर स्पीड वार्निंग, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, एंटी थ्रेफ्ट इंजिन, इम्बोलाइजर एंड सेंट्रल लुकिंग मिल जाते हैं। इसके अलावा ABS विद EBD, ESP, हिल डॉट असिस्ट एंड ऑल्सो कम विद हिल डिसेंट कंट्रोल। टोटल 8 कलर्स एरियर में देखने को मिलता है विच इज अमंग द अर्बन ब्लैक इज माय मोस्ट फेवरेट कलर। इसके अलावा स्टार लाइट, ग्रासलैंड बेक, रॉयल ब्लू, ट्रॉपिकल मिस्ट एंड क्लास 4 रेड, ऑर्कास व्हाइट एंड डेटोना ग्रे ऑल आर अवेलेबल। दोस्तों ये गाड़ी सीधा अवेलेबल होने वाले है MG हेक्टर, हुंडई क्रेटा एंड ऑल्सो किया सेल्टोस की। दोस्तों नंबर 9 पे आती है महिंद्रा XUV 700। एक बात बताऊं आपको, दिस इज अ
वेरी फैंटास्टिक कार फ्रॉम महिंद्रा। तो ये गाड़ी मिड साइज एसयूवी में उपलब्ध है एंड साथ ही साथ जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है उसके साथ भी ये गाड़ी कॉम्पैक्ट वेल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 5 स्टार एंड 7 स्टार दोनों सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये गाड़ी आती है। एसयूवी 700 का अलग अलग टोटल 23 वेरियंट्स मार्केट में आता है। बेस वेरियंट का शुरुआती जो ऑनरोड प्राइस है वो 14.97 लाख एंड टॉप ऑफ द लाइनअप का जो प्राइस है वो 29.71 लाख। दोस्तों इसका एमएक्स और एमटी सीरीज है जिसके अंदर ये टोटल 23 मॉडल्स आते हैं। तो इन मॉडल पे ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। अगर बात की जाए इंजन स्पेक्स के बारे में तो एमएक्स सीरीज ऑफर करती है 2.0 लीटर का टर्बो जीडीएसटी पेट्रोल इंजन जो कि मैक्सिमम 153 बीएचपी के साथ 360 एनएम टॉर्क को मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है एंड दूसरी तरफ 2.2 लीटर का कॉमनटल टर्बो डीजल विद एमवॉक इंजन मिल जाता है जो कि मैक्सिमम 153 बीएचपी के साथ 360 एनएम टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो इंजन के बारे में आपको बताया है बेसिकली मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। ओके, तो और जो एक सीरीज है वो बेसिकली 2.0 लीटर का एक टर्बो सीडीआई एमस्टार पेट्रोल इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है जो कि मैक्सिमम 195 बीएचपी 380 एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करने में सक्षम है और ये बेसिकली मैनुअल एंड ऑटो दोनों ट्रांसमिशन कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही आता है। दोस्तों और एक जो लास्ट वाला है वो डीजल इंजन आता है जो कि बहुत ही पावरफुल सा है, यानी कि व्हिच इज 2.2 लीटर का कॉमनटल टर्बो डीजल एमवॉक इंजन जो कि मैक्सिमम 182 बीएचपी के साथ 420 एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अगर आप इसको ऑटो ट्रांसमिशन का वर्सन आप लेते हैं एंड एएमटी के साथ चलाते हैं तो जो मैक्स आउटपुट आपको मिलने वाला है वो सबसे हाईएस्ट है यानी कि 450 एनएम। तो आप लोग समझ सकते हो जो 5G आपको मिलने वाला है भाई साहब मजा ही आ जाएगा। अगर बात की जाए इसके डिजाइन लैंग्वेज के बारे में तो पहले तौर पे जो चीज इस गाड़ी को और भी ज्यादा खास बनी थी वो है ट्विन पीक लोगो जो कि महिंद्रा ने इस बार रीडिजाइन किया है। उनका जो लोगो है पूरे ही न्यू अवतार में आए हुए है। इसके अलावा फ्रंट में जो ब्लैक शेप के ग्रिल मिल जाते हैं साथ ही साथ डे टाइम जो सी शेप एलईडी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। हेडलैम्प्स काफी बड़ा है, अलग है। पीछे रियर प्रोफाइल में एरो शेप में एलईडी टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल में फ्यूचरिस्टिक डोर हैंडल्स प्रोवाइड की गई। इसके अलावा पावर एडजस्टेबल ओवरबीएम विद इनबिल्ट टर्निंग इंडिकेटर्स एंड ऑल्सो कम विद कैमरा सेंसर। 17 और 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स अलग अलग वेरिएंट में ऑफर की गई है जो कि डायमंड कट शेप में बरकरार रखी गई है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इंटीरियर फीचर्स ऑफ दी महिंद्रा एक्सयूवी 700। लेदर सीट एंड लेदर फिन्स गियर लीवर मिल जाते हैं, हालांकि वेरिएंट के ऊपर ये चीज प्रोवाइड किया जाएगा। तो बेस वेरिएंट के अंदर 18 इंच के इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन ऑफर की गई है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, साथ ही साथ 7 इंच के बड़े डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो भी फुल्ली डिजिटल है प्रोवाइड की गई है। एक्स सीरीज के अंदर 10.5 इंच के बड़े इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन पैनल प्रोवाइड की गई, साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी सेम साइज के यानी काफी बड़ा है 10.5 इंच के, तो काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक फील आपको देने वाला है। विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के साथ 70 अलग अलग एक्सक्लूसिव फीचर्स यहाँ पर ऑफर की गई है। दोस्तों सेफ्टी वाइज इस बार महिंद्रा ने इस गाड़ी के अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। एनसीएफ सेफ्टी रेटिंग वाइज 5 स्टार रेटिंग यहाँ पर हासिल किया एक्सयूवी 700 ने, तो काफी बड़ा सा लंबा सा लिस्ट है। 7 एयरबैग्स है, लेटेस्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, स्मार्ट पायलट असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, ड्राइवर ड्रोनेस डिटेक्शन, एलईडी क्लियर व्यू हेडलैम्प्स, कॉर्नरिंग लैम्प्स, 360 डिग्री सराउंड व्यू सिस्टम, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑल्सो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये सारे भर भर के फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो ये गाड़ी मेन कॉम्पिटिटर होने वाले है टाटा सफारी, हेरियर, एमजी, हेक्टर, हेक्टर प्लस और हुंडई अल्जर की। फाइनली हियर इट इज द लास्ट नंबर ऑफ कार व्हिच इज एमजी हेक्टर। एमजी हेक्टर को आप कैसे इनकार कर सकते हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। हेक्टर की न्यू वाली जनरेशन ऑफ द फेसलिफ्ट जिसको भी लॉन्च किया गया थ्रू द ऑटो एक्सपोर्ट 2023, अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जरूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों हेक्टर की जो टोटल वेरिएंट आता है वो 13 वेरिएंट के साथ मार्केट पे आता है। जो बेस वेरिएंट का शुरुआती कीमत है 17.13 लाख एंड जो टॉप ऑफ द लाइन है 25.20 लाख ऑनवर्ड शुरुआती कीमत के साथ ही आता है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके एक्सटर्नल लुक्स के बारे में तो इसका जो फ्रंट प्रोफाइल का लुक है तो वही क्रोम फिनिश के साथ यहाँ पर मैसिव ग्रिल प्रोवाइड की गई है, तो जिसको यहाँ पर एमजी अर्जल डिजाइन पैटर्न कहते हैं एंड तो लाजवाब है। ये स्क्वाड्रन के जितने भी सारे गाड़िया आते हैं तो काफी ज्यादा उनसे इंस्पायर है, वहाँ से इसको इंस्पायर होकर बनाया गया है। स्प्लिट डे टाइम एलईडी डीएलएम मिल जाता है, नीचे जो हेडलैम्प्स प्रोवाइड किए गए विद फॉग लैम्प्स के साथ वो काफी ज्यादा अलग लुक प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों फ्रंट में जो एडवांस सेंसिंग रेडार है तो भी अंडरनीथ सेक्शन पे मिल जाते हैं एंड 18 इंच के अलॉय व्हील्स विद 5 स्पोक ग्रिल, रियर में ब्लैक ब्लेड सिग्नेचर, टेलगेट्स
को बरकरार रखा गया है एज कम्पेयर टू इसके जो प्रीवियस वर्जन था, एज इट इज सेम है। एडस के बैक साइड प्रोफाइल में व्हिच इज क्लियरली विजिबल एंड जो यहाँ पर शेड है शेड में डोन ब्राउन फिनिश के साथ मिल जाते व्हिच इज वेरी गुड। ओके, तो इंटीरियर को बताने से पहले एक बार इंजन स्पेक्स एंड पावर फिगर के बारे में थोड़े बहुत बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 1451 सीसी से लेकर 1956 सीसी तक की इंजन कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। एक तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मैनुअल सीबीटी एंड डीसीटी इंजन आता है जो कि मैक्सिमम 141 बीएचपी के साथ 250 एनएम टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है एंड दूसरा जो है वो 2.0 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन आता है विच कैन प्रोड्यूस 160 एनएम बीएचपी विद 350 एनएम टॉर्क, बट ये ऑलरेडी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है एंड ये डीजल इंजन है इसलिए एडस का फंक्शन कम्प्लीटली अनअवेलेबल ऑन दिस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इंटीरियर में आपको इस बार 14 इंच का बिग इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाएगी, पहले 10 इंच का ऑफर किया जाता था एंड न्यू ओएस के साथ और भी बढ़िया फीचर्स कंट्रोल्स प्रोवाइड किया गया है। एमजी इस बार लेवल 2 एडस फंक्शन विद 11 न्यू एक्सक्लूसिव फीचर्स प्रोवाइड कर रही है व्हिच इज वेरी गुड थिंग। डायरेक्ट कनेक्टिंग टू द स्मार्टफोन एंड हिलिस वॉइस कंट्रोलिंग ब्लूटूथ की ये सब तो ऑब्वियसली मिलने वाले है। दोस्तों एक बात आपको बताऊं, हालांकि 5 सीटर गाड़ी है फिर भी रोड प्रेजेंस काफी अच्छा है। इस गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है आपको देखने में कैसे भी ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता लगने वाले कि ये 5 सीटर गाड़ी है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो अलग बात है, जिसको ये चीज के बारे में नहीं पता है तो देख के बाहर से कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकता। सेफ्टी वाइज एनसीएबी इसको 5 स्टार रेटिंग भी दिए है। एडवांस फीचर्स के मामले में एडैप्टिव स्विच, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लेंड क्रूज असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, इंटेलिजेंट हेड लैंप कंट्रोल, सेफ्टी डिस्टेंस वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, इंटेलिजेंट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग असिस्टेंस, ट्रैफिक जाम असिस्ट, ईएसपी, टीसीएस, एचएससी, एबीएस, ईबीडी, तो ये सारे जो फीचर्स बताए उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स भर भर के ब्रांड ने इसके अंदर पैक करके इस गाड़ी को न्यूली लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये तो है आपके लिए टॉप सजेस्टेड बेस्ट एसयूवीज, क्योंकि जब भी हम कोई बाइंग डिसीजन लेते हैं चाहे वो गाड़िया हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ये लेंगे या फिर वो चीज वो गाड़िया ले। तो वही चीज को यानी आपका जो डाउट है उसको क्लैरिफाई करने के लिए, थोड़ी बहुत आपका सहायता करने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाए हुए। तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो चुकी है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए बिल्कुल भी अपना जो पर्सनल थॉट है यानी कि अपना राय है वो बताना ना भूले थ्रू द कमेंट सेक्शन। तो अलविदा दोस्तों, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।